करते करते हम उसको पार्क में रनिंग करते करते कुछ हम उस इमोशन को पैसे मेरा क्वेश्चन अभी आया ही नहीं है. मेरा क्वेश्चन ये है कि अच्छा ऐसे सीन डालिए बट कैसे सीन नहीं ना आप मुझे बताइए कैसे सीन दीवार में सिर्फ भगवानों की फोटो चिपकी हुई थी. रिलीजन और सेक्स ये अलग चीजें नहीं है. इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इतनी हिपोक्रेसी के साथ जिंदा रहते हैं. और मुझे आश्चर्य हो रहा है आपने मेरे ऊपर कविता लिखी. मैं उसके लिए बहुत आपका शुक्रगुजार हूं. लेकिन मैं आपसे एक बात, आप तो मैरिड हैं, मुझे आश्चर्य सन 2016 में अगर खड़े होकर हम लोग ये बोल रहे हैं कि वो सीन क्यों रखा था, इसका मतलब आपका भी किसी ने ब्रेन वॉश किया और आपको बोला रही अच्छी चीज नहीं है. हमेशा चीज देखिए, जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती कसम खाई आप कभी नहीं करेंगे. आप क्वेश्चन बताइए मुझे. मेरा क्वेश्चन ये था, जब भी हम कोई सीन डायरेक्ट करते हैं तो उसके पीछे एक पर्टिकुलर मैसेज होता है. मैं बताता हूँ क्या मैसेज ये आना चाहती है ना. मैं बता देता हूँ आपको, मैं बताता हूँ. एक जब यंग लड़का जब बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है, बहुत क्रोध में होता है, बहुत गुस्से में होता है, तो क्या बोलता है? फक इट. क्यों बोलता है ऐसा? क्योंकि उसके हार्मोन्स इतने स्ट्रांग होते हैं. राइट, क्या लड़के सेक्स नहीं करते क्या? तो हम दिखाते क्यों नहीं, छुपते, डरते क्यों बताने में? वही बोला सर कि सब जानते हैं इस टॉपिक को, लेकिन फिर भी सब एक दूसरे को देख रहे थे. बात ये नहीं है, बात कुछ और थी. अगर ये सीन चीज में ना होता तो शायद मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ ले जाकर ये मूवी देखती. ये फैमिली फिल्म नहीं है. आई नो, पहली बात तो ये फैमिली फिल्म ही नहीं है. ये देखिए, ये बड़ा, मैं आपको एक बात,